Hi, Payal. Hi. आज यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको आके फिल्मफेयर ओटीटी में? बहुत अच्छा लग रहा है. फिल्मफेयर इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मेरे बचपन का सपना था कि आई गो रेड कार्पेट फॉर फिल्मफेयर. आई विल विन फिल्मफेयर अवार्ड. अब तक अवार्ड तो नहीं जीती पर काफी बार मैंने फिल्मफेयर रेड कार्पेट वॉक किया. इट्स लाइक रेड कार्पेट ड्रीम हैज कम टू. आप अपनी ड्रेस के बारे में कुछ बताइए. As you can see, this is a princess dress. Is it looking like so? Yes. Okay. So yes, it has lots of frills. It is of net and the color is green. I love this. Is saal OTT mein aapki favorite film kaun si? See, like Panchayat is very nice, Panchayat 2. Very simple story. But my all-time favorite is Family Man. Family Man 1, Family Man 2. Also Special Ops. और आप ओटीटी पे आपकी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इनके बारे में बताएं. रिलीज कमिंग व्हिच इज बीइंग रिलीज इन फेब. आई एम एक्टिंग विद केश शर्मा एंड देन आई एम शूटिंग फॉर शॉप इन फेब इन लंदन. सो दैट इज आल्सो गोइंग टू गेट रिलीज दिस ईयर. दैट इज कमिंग ईयर एंड बारबी द मार्वल. दिस टू फिल्म्स आर स्टार्टेड. लाइक वन इज रिलीजिंग अनदर टू आई एम अबाउट टू शूट एंड विल बी रिलीजिंग इन द कमिंग ईयर. सो आई एम लुकिंग रियली फिल्मफेयर ओटीटी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ऑडियंस ऑफ ओटीटी. मतलब अभी क्या हो गया, लाइक कोई भी फिल्म आते हैं, कोई भी मतलब सीरीज के लिए वेट करते हैं कि कब सीरीज आने वाले हैं, कब कुछ हैपनिंग कुछ होने वाले हैं तो हम देखेंगे. तो यू नो लाइक आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ ओटीटी. एंड ओटीटी के लिए ना आज बहुत लोगों को काम मिल रहा है. दैट इज अदर बिग पहले ना फिल्म बिग लेवल की फिल्म होती थी. अभी सबको सब लोग सिर्फ सुपर स्टार्स के साथ काम होता था. अभी सब लोगों को मौका मिलता है जिसका टैलेंट है. एंड ओटीटी हैज ओपन अ वाइड रेंज प्लेटफॉर्म फॉर द न्यू कमर्स फॉर द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग. सो ओटीटी इज हैज रियली ऑफर्ड अ ग्रेट प्लेस इन आवर हार्ट. एंड कीप लविंग ओटीटी. कीप लविंग इट एंड गिव चांसेस टू मोर एंड मोर. थैंक यू सो मच. प्लीज शो मी योर टैग्स. Thank you.